हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विदिश्वावहे ओम शांति शांति शांति। हेलो एवरीवन, माइसेल्फ संतोष चौबे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी शैल डिस्कस द वीकली करंट अफेयर्स क्लास, और हम लोग आज जो है वह साप्ताहिक जो करंट अफेयर्स क्लास होती है, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हर सैटरडे को पूरे जो सप्ताह में जो घटनाएं घटती है उसमें से मुख्य मुख्य जो घटनाएं होंगी जो परीक्षा के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इवेंट शैल बी डिस्कस इन दिस क्लास। लेट्स बिगिन दिस क्लास। चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखो पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट कवच इज इन यूज व्हेन इट वाज फर्स्ट टाइम डिवाइस। प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो बालासोर उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन की जो दुर्घटना हुई है उसमें कवच अभी काफी समाचारों में आ गया है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कब इसे पहली बार कब इसको बनाया गया था, कब इसके बारे में विचार किया गया। ए है 2010, बी है 2012, सी है 2016 और डी है 2020। मैं समझता हूँ कि घटना जो है सप्ताह की से ऊपर के हो गई, 2 जून की घटना है, तो आप लोग को इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी हो गई है। आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2 जून 2023 जो सुबह 7 बजे था, यह भारत के रेल के इतिहास में काला दिन लेकर के आया। और यह काला दिन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो वहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, वह कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से जा करके सीधे टकरा गई। उस समय उसकी स्पीड जो थी वह लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, और जब टकराई तो टकराने से उसके जो है डब्बे उलट गए, और वहीं पर बगल में एक ट्रेन आ रही थी जिसका मुझे जो है जो आपका बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, और उस पर जाकर के कुछ डब्बे उस पर पलट गए। इस कारण से 288 लोगों की मौतें हो गई और लगभग 1150 लोग घायल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब अभी जो भी लोग इसके एक्सपर्ट हैं उनका यह कहना है कि अगर जिस प्रकार से साउथ सेंट्रल रेलवे में कवच सिस्टम काम कर रहा है, अगर कवच सिस्टम वहां पे होता तो निश्चित रूप से इस प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सकता था। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहां पे कवच जो है, कवच इज न्यूज़, कवच इसमें काफ़ी समाचार में आ गया है, तो आपको यहां पे बताना यह है कि जो कवच है इसको इसके बारे में पहली बार कब सोचा गया। देखो, मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे दूँ, इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका 2012। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2012। लेकिन 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 मैं आपको इसके पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, 2000 आपका जो 2002 जो आया, उस 2002 में भारत की जो कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे के एक इंजीनियर ने एक डिवाइस बनाई थी जिस डिवाइस का नाम है एंटी कोलिजन डिवाइस। और यह डिवाइस जब बनाई गई तो इसको ट्रेनों में लगा दिया गया, और यह था कि ट्रेनें जब आपस में आएंगी तो वहाँ पर वे जीपीएस के माध्यम से वहाँ पर उनको सिग्नल मिलेगा, और उसके माध्यम से ट्रेन जो है वह कुछ दूरी पर जब रहेंगी तो ट्रेनें रुक जाएंगी। तो यह सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन देखिए जब सिग्नल की गड़बड़ी के कारण से या फिर केबिन में गड़बड़ी के कारण से अगर ट्रेनों में दुर्घटना हो जाती है या ट्रेनें लाइन में चली जाती है उसके कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो इस प्रकार की कोई भी हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं था। तो 2011-12 में जब ममता बनर्जी भारत के रेल मंत्री थी, तो उस समय यह डिवाइस किया गया कि भारत में यह जो है यह एक डिवाइस के बारे में बात की गई जिसका नाम है ट्रेन एंटी कोलिजन अवॉइडेंस, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको कहा गया कवच, इसको कहा गया कवच। तो यह जो डिवाइस किया गया था, यह 2012 में इसको डिवाइस किया गया, और 2012 में डिवाइस किया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका यह जो कवच सिस्टम है, यह कवच सिस्टम का सफल परीक्षण आपकी अभी अभी हाल फिलहाल में ही किया गया। इसके बारे में कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य है जो मैंने लिख रखा है, और ताकि आपकी क्लास जल्दी खत्म हो जाए तो मैं इसको लिख रखा है, आप इसको यहाँ पर आगे देख सकते हो। इसका हाईलाइट है कि 2002 में जो राजा राम भोजे थे ऑफ कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन डिवाइस एंटी कोलिजन डिवाइस इंप्रेस, रक्षा कवच की यहाँ तक बात है तो सबसे पहली बात, 2002 में जो राजा राम भोजे हैं कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन के, तो उन्होंने कोकन रेलवे कॉर्पोरेशन के आपके जो
आपके राजा राम बोजे हैं, इन्होंने रक्षा कवच को डिवाइस किया था 2012 में। ए न्यू टेक्नोलॉजी वाज डिवाइस बाय द नेम ऑफ ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCS ऑफ और कवच। इस प्रकार 2012 में एक नई प्रकार की तकनीक इजाद की गई, जिस तकनीक का नाम था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, मतलब ट्रेनों के टक्कर को रोकने रोकने के लिए प्रणाली। और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जहां पर यह जो है ए आपका जो ACD है, ACD में क्या होता है कि दो ट्रेनों से यह सिस्टम लगा जाता है, और अगर दोनों ट्रेनों में यह सिस्टम लगा हुआ है तो दोनों ट्रेनें जब आप दूसरे के पास आएंगी तो कुछ दूरी पर लगभग 300 मीटर पर यह ट्रेनें जो आप रुक जाएंगी। लेकिन बताना चाहूंगा कि अगर ये ट्रेन मान लो लूप लाइन में चली जाती है, या सिग्नल की कोई गड़बड़ हो जाती है, या फिर जो आपका सर्विस स्टेशन है वहां से कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उस प्रकार से अगर कोई टक्कर वगैरह हो जाती है तो रुकने के लिए कोई हमारे पास सिस्टम नहीं था। 2012 में इसी प्रकार के सिस्टम को डिवाइस किया गया, जिसका नाम रखा गया ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको बाद में कवच कहा गया। बताना चाहूंगा कि 2016 में इसका फील्ड ट्रायल किया गया था, और 3 मार्च 2022 को इट वाज सक्सेसफुली डेमोंस्ट्रेटेड। भारत के रेल मंत्री और जो आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, दोनों एक दूसरे दोनों जो है एक एक ट्रेन पे बैठे, और इसके बाद इस सिस्टम को आपका ट्रायल लिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि यह सिस्टम भारत में बताना चाहूंगा कि लगभग 68,000 किलोमीटर जो है रेलवे ट्रैक है, इसमें मात्र अभी तक 1455 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर ही इसको अभी तक यूज किया जा रहा है। ये देखिए लगाया कहाँ जाएगा, यह आपका जो जहाँ पे सिग्नल है वहां रहेगा, जहाँ पे फाटक है वहां पे रहेगा, इस प्रकार से ट्रेनों में रहेगा और साथ ही साथ यह जो है वह स्टेशनों पर लगाया जाएगा, और इस प्रकार से पूरी प्रणाली जो है GPS के माध्यम से काम करेगी, और इससे ट्रेनों की आने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत में ट्रेनों की जो दुर्घटनाएं हैं ये बहुत दुखद हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि रेलवे में अभी भी 40,000 पद जो है रिक्त हैं, रेलवे कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, और सबसे बड़े दिन प्रतिदिन रेलवे की रेल जो ट्रेनें हैं ट्रेनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और निश्चित रूप से हमारी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को हम उतना अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 था। हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, और एक बात और बताना चाहूंगा, इसमें अगला क्वेश्चन, इट यूजेस UHF रेडियो फ्रिक्वेंसी टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। यह जो आपका कवच सिस्टम है, यह कवच सिस्टम जो रेडियो फ्रिक्वेंसी में अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करता है और सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच इज द वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेन की दुर्घटना कब हुई। ए 6 जून 1981 ट्रेन एक्सीडेंट ऑफ खगड़िया में 6 जून 1981 को जो ट्रेन की दुर्घटना हुई थी वो सबसे बड़ी है। बी 1995 फिरोजाबाद ट्रेन एक्सीडेंट, 1995 फिरोजाबाद की ट्रेन दुर्घटना सबसे बड़ी है। 2 जून 2023 में बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, या फिर 26 दिसंबर 2004 को श्रीलंका का ट्रेन एक्सीडेंट। आपसे पूछा ये जा रहा है कि दुनिया में अभी तक जितनी भी ट्रेन की दुर्घटना होती है, इसमें सबसे बुरी जो ट्रेन की दुर्घटना है, सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना जिसमें आप बहुत सारे लोग जो है हादसे के शिकार हो गए थे, वो ट्रेन दुर्घटना कौन सी है। 4 विकल्प आपके सामने है। पहला तो यही है कि 1981 का जो है खगड़िया का ट्रेन एक्सीडेंट, दूसरा फिरोजाबाद ट्रेन एक्सीडेंट, तीसरा बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, और चौथा है आपको श्रीलंका ट्रेन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या है। बताना चाहूंगा इसका सही आंसर है आपका डी। दूसरा यहाँ पर जो सही आंसर है वो आंसर आपका डी सही है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए यह सही है कि 6 जून 1981 को जो ट्रेन एक्सीडेंट खगड़िया में हुई थी उसमें बागमती नदी में और ट्रेन गिर गई थी, और उसके कारण से लगभग 800 लोगों की मौतें हो गई, ऐसा अब लोगों का कहना है। हालांकि सरकारी आंकड़े के हिसाब से 300 लोग यहां पे मारे गए थे। दूसरी ट्रेन जो यहाँ पर दिखा गया 1995 फिरोजाबाद जो ट्रेन एक्सीडेंट है, इसमें सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो है 300 के आसपास जो है लोग 300 से के आसपास जो है लोग यहाँ पे मारे गए थे। जो आपकी 2 जून 2023 की 1200 ट्रेन एक्सीडेंट है, इसमें 288 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन अगर हम लोग 26 जून 2004 के श्रीलंका के ट्रेन एक्सीडेंट की बात करें तो यहाँ बताना मैं चाहूंगा यहाँ पे 1700 लोगों की मौतें हो गई, 1700 लोगों की मौतें हो गई। पूरी की पूरी ट्रेन आपको यात्रियों से खचाखच भरी थी, और जैसे सुनामी की लहरें आई तो वहाँ पे आसपास जो लोकल लोग थे उन्होंने सोचा कि हम ट्रेन के ऊपर चढ़ जाएंगे या ट्रेन के अंदर घुस जाएंगे तो हम शायद बच जाएंगे, लेकिन सुनामी की लहरें इतनी जबरदस्त थी कि उस कारण से उसने पूरे ट्रेन को उखाड़ करके फेंक दिया, पूरा पानी भर गया, और पानी के भरने से वहां पे एक तो भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोग अंदर थे अंदर फंस गए, जिस कारण 1700 लोगों की मौत हुई थी। तो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उस सुनामी की लहरों ने जो कहर बरपाया था उस कहर के कारण से जिन लोगों की मृत्यु हुई थी वह संख्या 1700 थी, और आज तक की रेल के इतिहास में यह सबसे बड़ी दुर्घटना है। तो आप अपनी परीक्षा की याद रख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आज तक ट्रेन की सबसे दुर्घटना कब हुई, तो 26 दिसंबर 2004 को श्रीलंका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, और भारत की
बात करेंगे हम लोग तो भारत में बताना चाहूंगा, सरकारी आंकड़े के हिसाब से बात करें हम लोग तो सरकारी आंकड़े हिसाब से फिरोजाबाद ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो भारत का सबसे बड़ा है, यह भारत का सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना थी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यह विश्व के ट्रेन दुर्घटना की बात करेंगे तो विश्व के ट्रेन दुर्घटना के हिसाब से यह आपका जो 2004 में श्रीलंका में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो सबसे बड़ा था। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख रखा है। 1956 में लाल बहादुर, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जब कभी भी ट्रेनों की दुर्घटनाएं होती है तो सरकारी अधिकारियों को और नेताओं को उसके लिए जिम्मेवार माना जाता है क्योंकि दे आर द पॉलिसी मेकर्स एंड दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आप अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप अपने पैसे भी खर्च करते हो और जिजाइस वह एक लोकतंत्र में हम जिन लोगों को चुन करके भेजते हैं इस विश्वास के साथ कि वह हमारी पूरी रक्षा करेंगे, लेकिन अगर वो अपनी रक्षा करने में असमर्थ रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको नैतिक रूप से जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए भारत के कुछ रेल मंत्रियों ने बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें सबसे पहला जो आता है 1956 में आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जब आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में पहली बार दुर्घटना हुई तो राज शास्त्री जी ने क्या किया, नेहरू जी को इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे लेकिन उनका इस्तीफा जो है वह कबूल नहीं किया गया। इसी बीच 1956 में फिर से तमिलनाडु में ट्रेन दुर्घटना हो गई और जब उन्होंने शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया तो नेहरू जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जो है सबसे पहले ऐसे रेल मंत्री हो गए जिन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। फिर 1999 में नीतीश कुमार जो है असम के गैसोल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसमें 1999 में नीतीश कुमार ने अपना आपका इस्तीफा दिया। 2000 में जो है ममता बनर्जी ने जो ट्रेन दुर्घटना होती है उसमें इस्तीफा अपना सौंपा, हालांकि उनका इस्तीफा जो है वाजपेयी जी ने स्वीकार नहीं किया था। 2017 में सुरेश प्रभु जी ने अपना इस्तीफा दिया रेल दुर्घटना के कारण से, लेकिन मोदी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया, हालांकि कुछ दिन के बाद पीयूष गोयल जी को भारत का रेल मंत्री बना दिया गया था। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट है उसमें बहुत सारे न्यूज़ आ चुके हैं, बहुत सारी आप प्रश्न लोग बना चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जो छूट गया था। तो यहाँ पे आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023। अभी देखिए मैं बताना चाहूँगा कि यह दुनिया जो है तापमान के शिकंजों में कश्ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन जो है यह पर्यावरण प्रदूषित होता चला जा रहा है। और इसी प्रकार से अगर पर्यावरण के प्रदूषण का यही हाल रहा तो आने वाला जो शताब्दी होगी निश्चित रूप से मानव के जीवन जीने के लायक साधन न बच पाए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अगर हम लोग तापमान की बात करेंगे तो पृथ्वी का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ चुका है, और यदि यही रेट रहा, यही दर रही तो 2050 ईस्वी के आते आते पृथ्वी का तापमान जो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। समंदर की लहर, समंदर जो है वह काफ़ी समंदर का जो जलस्तर काफ़ी ऊंचा चला जाएगा और इस कारण से जल जंगल और जमीन की समस्याएं मानव के जीवन में सबसे बड़ी समस्या बढ़ करके आएगी। तो ये जो मैं बताना चाहूँगा कि कनाडा के व्यक्ति थे जिसका नाम है मॉरिस स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हुए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह कहा कि अब समय आ गया है कि जब विकसित और विकासशील देश दोनों को प्रायोरिटी प्राथमिकता के स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। उस प्रकार से 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 को मैं जो स्टॉकहोम आपका जो स्टॉक स्वीडन का जो स्टॉकहोम है वहाँ पे पर्यावरण का पहला सम्मेलन बुलाया गया था। और 5 जून को चूंकि दुनिया पहली बार एकत्रित हुई थी एक प्रकार से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए कुछ वहाँ पर बात की गई थी, और इस कारण से 1973 में यह निर्णय लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून को। और इस प्रकार से 1974 से 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो यहाँ पर पहला आ गया कि विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2023। अब तो 2023 का जो यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो यह मैं बताना चाहूँगा कि यह 50वां विश्व पर्यावरण दिवस था। तो यह विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया यह कहाँ मनाया गया, इसको कहाँ सेलिब्रेट किया गया, ए है जमैका, दूसरा है कोट डी आइवरी या इसको को दीवार भी कहते हैं, और तीसरा है बहरीन, और तीसरा चौथा है आपका उरुग्वे, डी उरुग्वे। आपको अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने इसका आंसर सही टाइप कर लिया होगा। इसका आंसर है को डी आइवरी या को दीवार। को दीवार इसको हम लोग आइवरी कोस्ट के नाम से जानते हैं। यह जो आइवरी कोस्ट है यह पश्चिम अफ्रीकी का देश है, अफ्रीका का देश है जो एक तटवर्ती देश है, और यहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना एनवायरनमेंट डे बनाया। एक आप लोग के लिए मेरे हिसाब से प्रश्न है, प्रश्न यह है कि दुनिया का वह कौन सा देश है जहां पर सबसे अधिक बार जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताओ मुझे, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए।
तो मैं बताना चाहूंगा इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपका श्रीलंका। श्रीलंका में अभी तक नौ बार जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा चुका है, भारत में यह सिर्फ 2 बार मनाया गया अभी तक। चलिए तो यह आपका अगला इसमें हम लोग देखते हैं तो एनवायरमेंट डे 2023 के बारे में मैंने कुछ लिख रहा है, सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून 2023। थीम इसका क्या था? थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और मैं बताना चाहूंगा कि इस समय लगभग 40 करोड़ टन जो है प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया जा रहा है पूरे विश्व स्तर पर, और पहली बार इसका सेलिब्रेशन हुआ था 1973 को या जिनेवा में हुआ। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा लिखा हुआ है आपको विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ का जो UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो वेबसाइट है वहां पर लिखा हुआ 1973, लेकिन कुछ जगह पे इसको 1974 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं तब चाहूंगा कि 1973 में शायद कोई थीम नहीं रखा गया था, इस कारण से लोग उसमें मिस्टेकन है, लोगों को यहाँ पर समस्याएं हो रही है। तो जो भी हो, चूंकि UNEP के वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 1973 को पहली बार एनवायरमेंट डे बनाया गया, हम लोग उसी को सही मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 हाउ मच लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज डिक्रीज इन इंडिया ड्यू टू एयर पोल्यूशन। देखिए बताना चाहूंगा कि विश्व पर्यावरण जो दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया गया, उस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आपका स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 जारी की गई, और उसमें बताया गया कि एयर पोल्यूशन के कारण से भारत में लोगों की जो है जीवन प्रत्याशा जो है वह कम हो गई है। अब यहाँ बताना कि कितनी जीवन प्रत्याशा कम हुई है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और 4 वर्ष 11 महीने। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो आंसर है डी, 4 वर्ष 11 महीने, 4 वर्ष 11 महीने। लेकिन अगर मैं पूछता आपसे कि यहाँ पर किस स्थान पर जो जीवन प्रत्याशा है वो में काफ़ी कमी आई है, वो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर इसका आंसर गलत कर दोगे। यह इसका सही आंसर है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में जो है जहाँ जीवन प्रत्याशा जो है वह 5 वर्ष जो है वह 2 महीने कम, 2 महीने हुआ है कम, जबकि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर उससे 3 महीने कम है, वहाँ से 3 महीने कम है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर जो लाइफ जीवन प्रत्याशा है, इस जीवन प्रत्याशा पर एडवर्स इफेक्ट जो प्रतिकूल प्रभाव है वो सबसे ज्यादा मोर एडवर्स इफेक्ट कहां पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक है शहरी क्षेत्र की अपेक्षा। चलिए हम लोग अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से बता दूं आपको कि स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो इंडिया का के राज्यों की रिपोर्ट 2023 है, उसमें यह कहा गया कि जीवन प्रत्याशा भारत की वायु प्रदूषण कारण से कितनी कम हो गई है। मैं बताना चाहूंगा कि वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषण जो है सबसे खतरनाक है, और आपको हमें बताना चाहूंगा दुनिया की लगभग 2% से अधिक जो मौतें जो हो रही हैं वो एयर प्रदूषण के कारण से हो जा रही है, तो यहाँ पर यह है कि जो इंडिया रिपोर्ट है 2023 यह कह रहा है कि जीवन प्रत्याशा में कमी आ गई है। कितनी कमी आई है, तो ये 4 वर्ष 11 महीने कमी है। लेकिन पूछा जाता है कि कहाँ पे कमी ज्यादा आई, शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसका आंसर जाएगा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो है वो कमी ज्यादा आई है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया रैंक फर्स्ट इन एनवायरमेंट। पर्यावरण जो है पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण की बात अगर हम करेंगे तो भारत का कौन सा राज्य या जो क्षेत्र संघ शासित प्रदेश है उसको पहला स्थान दिया गया। ए है तेलंगाना, बी है गुजरात, सी है गोवा और डी है राजस्थान। तो जो हमने अभी अगर बात की जो स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 है उसके आधार पर बात करें तो भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे एनवायरमेंट या पर्यावरण सबसे स्वच्छ पर्यावरण किस राज्य का है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, है ना। सर्वाधिक स्वच्छ पर्यावरण वाला भारत का राज्य क्या है, तो सर्वाधिक स्वच्छ पर्यावरण वाला भारत का राज्य हो गया आपका तेलंगाना।
तेलंगाना। तो तेलंगाना में बताना चाहूंगा कि इसमें नंबर एक पर है, नंबर दो पे गुजरात है, नंबर तीन पर गोवा है। नंबर एक पर आपका अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर दो पर कौन है, तो नंबर दो पर गुजरात और नंबर तीन पर आपका गोवा है। अगला है कि स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट जो है उसमें मैंने इसके बारे में एक लिस्ट लिया हुआ है कि अगर हम लोग स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो है वो उसमें उसने चार आधारों पे राज्यों को रैंक दिया है। तो अगर हम लोग पर्यावरण या एनवायरमेंट की बात करेंगे तो पर्यावरण या एनवायरमेंट के आधार पर तेलंगाना को जो है वो प्रथम स्थान दिया गया है और राजस्थान इस लिस्ट में सबसे नीचे है। यदि हम लोग स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में दिल्ली को नंबर एक स्थान दिया गया है और मध्य प्रदेश जो है सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा है। यदि हम लोग कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो कृषि में जो है मध्य प्रदेश को एमपी को सबसे नंबर एक स्थान दिया गया है और दिल्ली आपका अंतिम पायदान पे खड़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अर्थात आधारभूत संरचना, अर्थात रोड, रेलवे, इसी प्रकार से आपका बिजली, ये सब की व्यवस्था जिससे हम लोग उद्योग धंधों को चलाते हैं। यदि हम लोग आधारभूत संरचना की बात करें तो आधारभूत संरचना में गुजरात टॉप रैंक पे है और बिहार को सबसे नीचे स्थान रखा गया है। फिर से एक बार स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट जो 2023 जारी किया गया जारी करने वाली जो संस्था स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, इसमें चार आधारों पर राज्यों को रैंक दिए गए हैं। तो पर्यावरण के आधार पर तेलंगाना सबसे ऊपर में है और राजस्थान सबसे नीचे है। स्वास्थ्य के आधार पर दिल्ली सबसे ऊपर है, मध्य प्रदेश सबसे नीचे है। कृषि के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, दिल्ली सबसे नीचे है। और आधारभूत संरचना के आधार पर गुजरात सबसे ऊपर है और बिहार जो है सबसे निचले पायदान पर यहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन कि विच यूनिवर्सिटी टॉप्स द रैंक इन द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। मैं बताना चाहूंगा कि 2023 में भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग बनाई गई है और उस रैंकिंग में ये पूछा, यहाँ पर प्रश्न मैंने बनाया है कि उस रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सा यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी आपके टॉप रैंक पे है। ए है IIS बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तीसरा है सी है जामिया मिलिया इस्लामिया और डी है BHU। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु है यह नंबर टॉप का इंस्टीट्यूशन है। दूसरे नंबर पर आपका जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, तीसरे नंबर जामिया मिलिया इस्लामिया है। पिछले साल भी यही इसी रैंक पर थे, लेकिन बताना चाहूंगा कि जो BHU था वो छठे स्थान पर था, जो आपका एक रैंक सुधार करके पांचवें स्थान पर आ गया है। तो यहाँ पे विच यूनिवर्सिटी टॉप द रैंक इन रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की जो रिपोर्ट है उसमें IIS बेंगलुरु जो है वो आपके टॉप रैंक का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे मैंने कुछ इसके रिपोर्ट बारे में लिखा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो 2023 है इसमें यूनिवर्सिटी टॉप जो यूनिवर्सिटी है, तो टॉप यूनिवर्सिटी में आपका हो गया जो विश्वविद्यालय हो गया जो टॉप विश्वविद्यालय है वो IIS बेंगलुरु है। इसी प्रकार से महाविद्यालय की बात करेंगे हम लोग कॉलेज, तो कॉलेज में मिरिंडा हाउस दिल्ली जो लड़कियों का स्कूल है वो पिछले 7 सालों से यह टॉप पे आ रहा है, नंबर एक पे आ रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो भारत में अहमदाबाद नंबर एक पे है, और अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे तो IIT मद्रास को टॉप रैंक दिया गया है। फिर से बात बताना चाहूंगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के हिसाब से भारत का जो विश्वविद्यालय है किस विश्वविद्यालय को टॉप रैंक रखा गया है, तो यहाँ पर हो गया IIS बेंगलुरु। अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा कॉलेज जो है वो टॉप रैंक वाला है, तो यहाँ पर मिरिंडा हाउस दिल्ली। भारत का कौन सा जो है वह प्रबंधन कॉलेज, भारतीय प्रबंधन कॉलेज में सबसे टॉप रैंक का कॉलेज कौन सा है, यहाँ पर जाएगा अहमदाबाद। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो आपके अभियांत्रिकी के विश्वविद्यालय हैं कॉलेज हैं उसमें से कौन कॉलेज सबसे ऊपर में है, तो मैं बता चाहूँगा IIT मद्रास जो है यहाँ पर टॉप रैंक का विश्वविद्यालय है। अगला है कि व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023 बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी देखिए यह कहा कि भारत जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है या दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है पिछले साल की अपेक्षा में दुनिया की अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, और उसके पीछे कारण जो बताया जा रहा है वही बताया जा रहा है कि एक प्रकार से ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो एक प्रकार से रिसेशन या मंदी का दौर चल रहा है।
हालांकि भारत जैसी कुछ अर्थव्यवस्थाएं हैं, चीन की जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका हाल बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वह कितना हो जाएगा, तो व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023 बाय द वर्ल्ड बैंक। 2023 में इसका कहना है कि जो विश्व अर्थव्यवस्था रहेगी उसकी दर जो है वो 2.1% रहेगी। मैं बताना चाहूंगा कि 2022 में यह 3.1% एस्टिमेट किया गया था, 2022 में 3.1% था, जो घट करके लगभग 8 point मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर यह 3.1 से सीधे 2.1% बताया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि which has been set in the new parliament building, इनमें से जो भारत का नया संसद भवन है उस नए संसद भवन को किस में क्या लगाया गया है, ए हाइगेंस पेंडुलम, बी गैलीलियो पेंडुलम, सी फौकॉल्ट पेंडुलम और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। देखो आपको पता है कि भारत को 28 मई 2023 को एक नया संसद भवन मिल गया और यह संसद भवन जो है भारत का जो पुराना संसद भवन है उसी संसद भवन के बगल में ही बनाया गया है, हालांकि यह उससे 10% छोटा है लेकिन भव्यता के आधार पर अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर यह बहुत ही भव्य है। और यहाँ पर बैठने वाले की अगर जगह की बात की जाए तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि उस पहले पुरानी बिल्डिंग से इसमें नई बिल्डिंग में बैठने की जगह जो है बहुत अधिक है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 388 लोग जो है वो बैठ सकते हैं लोकसभा वाले चैम्बर में और 384 लोग जो है वो राज्यसभा वाले चैम्बर में बैठ सकते हैं। तो मिला जुला करके आने वाले समय में भारत की पार्लियामेंट, भारत में जो लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें हैं उनको बढ़ाया जाना है। और अगला यदि भारत का कोई भी बनेगा डिलिमिटेशन कमीशन तो उसके आधार पर भारत में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सीटों का भी वृद्धि की जाएगी। तो लोकसभा, राज्यसभा की सीटों के बढ़ाने से जो संसद भवन है उसको बड़ा बड़ा बनाना था और चूंकि अब संसद भवन जो है लगभग 100 साल पुराना भी हो गया, 90 साल पुराना हो गया, इस कारण से संसद भवन के स्थान पर दूसरे नई संसद भवन बनाई गई है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें बड़ा यहाँ पर चर्चे बढ़ा है, एक तो संगोल जो है वह देखिए सत्ता का प्रतीक है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला और पहली बार सत्ता का ट्रांसफर हुआ था तो यह उन्होंने श्री चक्रवर्ती पुजारी से जिसे पूछा था कि सत्ता का ट्रांसफर में क्या किया जाएगा तो उन्होंने बताया कि भारत की परंपरा रही है कि पहले जो है जो संत लोग होते थे अधिनम, मतलब जो मठों में संत लोग होते थे वो क्या करते थे, वो दंड जो है वो प्रस्तुत करते, इसको धर्मदंड कहा जाता था, वह देते थे आपको राजाओं को जो मानता कि सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक है। तो यह संगोल जो है यह दिया गया था नेहरू जी को और इसके बाद इस संगोल को रख दिया गया था आपके पार्लियामेंट हाउस, सॉरी ये रख दिया गया था आपको इलाहाबाद के म्यूजियम में। तो जब अब नया पार्लियामेंट हाउस बना तो यह कहा गया कि नहीं इसको रखा जाएगा, इसको जो है पार्लियामेंट हाउस में लगाया जाना चाहिए। तो एक तो संगोल लगाया गया और दूसरा लगाया गया है एक आपको पेंडुलम घड़ी लगाई गई है जिस घड़ी का नाम है फोको पेंडुलम। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देना चाहूंगा। देखिये 1602 ईस्वी की बात है जब गैलीलियो गैलीली एक सभा में बैठे थे और उन्होंने कहा देखा कि सभा में एक जो झाड़ पानुस है वो धीरे धीरे से हवा के कारण से लटक रहा है। तो उन्होंने अपने नाड़ी की सहायता ली और उन्होंने देखा कि वह एक निश्चित समय के बाद अपने टाइम पीरियड अपना जो है वह दोलन को बार बार रिपीट कर रहा है और उसी के आधार पर उन्होंने दुनिया का पहला पेंडुलम बनाया था। लेकिन पेंडुलम के बाद वो घड़ी नहीं बना पाए थे। घड़ी पहला बनाने का काम जो है वो 1650 ईस्वी के दशक में क्रिश्चियन हाइगेंस ने पहला पेंडुलम जो है दुनिया के लिए बनाया, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने दुनिया का पहला पेंडुलम बनाया था। गैलीलियो गैलीली ने पेंडुलम का कॉन्सेप्ट दिया प्रकाश से, लेकिन फोको ने जो पेंडुलम बनाया आपको फोको जो है लियोन फोको ये आपके फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक ऐसा पेंडुलम बनाया जो पेंडुलम पृथ्वी की गति को दिखाने के लिए बहुत ही आपको शानदार पेंडुलम है। मैं बताना चाहूँगा कि 67 मीटर में लंबा एक धागा है और उसी धागे से एक आपका 28 किलोग्राम का एक बड़ा सा हैवी बॉब लटकाया गया है और पृथ्वी जब जिस प्रकार से पृथ्वी जो अपने घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में तो इस कारण से पृथ्वी के घूमने के कारण से वह भी क्या करता है कि वह एक कॉन्स्टेंटली इस प्रकार से दोलन नहीं करता बल्कि वह अपनी दिशा को बदलता रहता है। अपने जो उसका डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से न सिर्फ कोरिओलिस फोर्स को समझा जा सकता है बल्कि पृथ्वी घूर्णन को भी यहाँ पर सही समझा जा सकता है। चूंकि
भारत का ये मोटो है कि वी आर इंटीग्रेटेड इंडिया विथ द यूनिवर्स, हम भारत को ब्रह्मांड के साथ में जोड़ रहे हैं, और इस कारण से हम लोगों ने उस पेंडुलम को भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी है आपको लोकसभा भवन का सॉरी वो पार्लियामेंट हाउस का उस पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी में इसको लगा दिया गया है। तो यहाँ पर विच हैज बीन सेट इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो एक तो संगोल आपको ये दूसरा आपको फोको पेंडुलम ये भी याद रख लीजिए, फोको पेंडुलम भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच कंट्री टेबल्यू ऑफ इंदिरा गांधी असैसिनेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, अभी किस देश में इंदिरा गांधी के हत्या की झांकी निकाली गई, हत्या की झांकी निकाली गई। चार विकल्प यहाँ पर है, यूएसए, बी मैक्सिको, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। देखो चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी देश, राजनीति किसी को भी बख्शती नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि कनाडा में लगभग 2% सिख लोग रहते हैं, और कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन में लगभग 14% जनसंख्या जो सिखों की है, तो वहाँ पर भी तुष्टिकरण की नीति चलती है। और इस प्रकार से जो अमृतसर जो आपका जून में 6 जून को जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑर्गेनाइज हुआ था, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षी के समय वहाँ पे सिखों ने क्या किया, वो इंदिरा गांधी को की हत्या की वहाँ पर झांकी निकाली। निश्चित रूप से ये भारत के लिए अपमान की बात है, निश्चित रूप से घृणित का कार्य है, क्योंकि सरकार के लोगों ने भी जब भारत की सरकार ने इस पर टोकाटोक करने की कोशिश की तो उन्होंने सीरियसली कह दिया कि हमारे आंतरिक मामले इस बात को नहीं बोलना चाहिए। हालांकि भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं उन्होंने इस पर काफ़ी कड़ी टिप्पणी की है, और निश्चित रूप से भारत की सरकार ने अपना यहाँ पर विरोध जता दिया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन विच कंट्री टैबलो ऑफ इंदिरा गांधी असैसिनेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, दुनिया के किस देश में अभी इंदिरा गांधी की आपको हत्या की झांकी निकाली गई, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है कि तैयब अर्दोगान हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की थर्ड टाइम, इन विच ईयर तुर्की चेंज इट्स नेम टू तुर्की। यहाँ पर यह है कि तैयब अर्दोगान को तीसरी बार वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया गया है, और यहाँ पर मैंने ऐसे पूछा है कि तुर्की का नाम जो है तुर्की कब बदलकर रख दिया गया, ए 2020 में, बी 2021 में, सी 2022 में, डी 2023 में। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तो मैं बता दूँ कि देखिए जो तैयब अर्दोगान हैं वह आपको तुर्की के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। 5 साल में वहाँ पर राष्ट्रपति, 5 साल के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, उसके पहले 3 बार वहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। काफ़ी वे माना जाता है कि वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं, काफ़ी पॉपुलर लोकप्रिय नेता हैं, और उनका एक प्रकार से चुना जाना मैं कहूँगा कि विश्व की जो मिलिट्री जो विश्व की जो सैन्य या जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ावा मिलता है। नाटो के बारे में बताना मैं चाहूँगा कि नाटो में यूएसए के बाद तुर्की का सबसे अधिक सेना पर वहाँ पर जो है वहाँ पे सब शामिल है। तो निश्चित रूप से अर्दोगान जो पहले भी राष्ट्रपति थे उनका यह चुना जाना इस बात को ये बता रहा है कि उनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी वहाँ के लोगों को भा रही है। तो यहाँ पर आपको है कि तुर्की ने अपना नाम चेंज करके तुर्की कर लिया। देखिए बताना मैं चाहूँगा कि 1920 के दशक में 1923 में तुर्की जो है वह एक रिपब्लिक बना था, और उसके बाद उसका तुर्की नाम था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2021 में इसका नाम बदल के कर दिया गया है तुर्की। तो जब से पूछा जाए कि न्यू ईयर तुर्की चेंज इट्स नेम टू तुर्की, यहाँ पर जाएगा 2021। और याद रखिए पूछा जाए कि किस नेता को तुर्की के किस नेता को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाया गया, तैयब अर्दोगान। तो यह जो है यह पूरे सप्ताह की जो मेन जो आपकी जो मेन घटनाएं थी उन घटनाओं के बारे में जिक्र कर दिया। हर वीक में मैं इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आऊँगा। आप और भी वेबसाइट और भी जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको भी देखते रहिए, मैं नहीं कहूँगा कि मेरी क्लास पर डिपेंडेंट रहिए, उनको भी देखते रहिए, लेकिन मैं पूरी तरीके से पिछले एक सप्ताह में जो भी न्यूज़पेपर में 3-4 न्यूज़पेपर में कवर करता हूँ, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैं लेकर के आपके लिए आ जाऊँगा। और निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सब मेहनत मुझसे ही मत कराइए। मैं कहूँगा मैं देखो इसका PDF मैं नहीं दे पाऊँगा, आप इसको क्वेश्चन को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा मेहनत आप भी कर लीजिए, इसको रोक रोक करके अपने नोट्स बना ले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एक बार अपने नेत्रों को बंद करें और मेरे साथ भगवान का स्मरण कर लें। हरिओम।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम।